हेलो फ्रेंड्स, त्रिपुरा में जन्मी बच्ची रूना बेगम को अपने बड़े सिर को लेकर दुनिया भर में सुर्खियों में छाई रही थी। 5.5 साल की रूना हाइड्रोसेफेलिस नाम की बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें सिर में पानी भर जाता है। इस घातक बीमारी के कारण रूना के सिर में 94 सेंटीमीटर तक सूजन आती। 5.5 साल की रूना बेगम का जन्म त्रिपुरा के एक छोटे से गाँव में मोहम्मद अब्दुल रहमान और फातिमा बेगम के घर हुआ। 22 नवंबर 2011 को जन्मी रूना बेगम के जन्म के बाद से ही सिर असामान्य हो गया था। गरीब परिवार में पैदा होने की वजह से परिजन उसका इलाज शुरू से नहीं करा पाए। बच्ची के सिर का आकार इतना बड़ा होने की खबर जब मीडिया में आई तो एकाएक फैल गई। पूरी दुनिया को उसके बड़े सिर के बारे में पता चला। उसके बाद उपचार की सारी जिम्मेदारी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च अस्पताल की ओर से उठाई गई। यहाँ उसे उपचार के लिए सबसे पहले 16 अप्रैल 2013 को लाया गया। तब रूना का उपचार कर रहे न्यूरोसर्जन डॉक्टर संदीप वैश्य का कहना है कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये क्यूरेबल है। भर्ती किए जाने के दौरान रूना के सिर का साइज 94 सेंटीमीटर था। वह हाइड्रोफोलिसिस नामक बीमारी से पीड़ित थी। सभी शारीरिक जाँच के बाद उसका उपचार शुरू किया गया। 15 मई 2013 को उसके सिर से काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ निकाला गया। इसी बीच उसकी सर्जरी भी की गई। तब जाकर उसके सिर का हिस्सा 36 सेंटीमीटर कम होके 58 सेंटीमीटर रह गया। 11 जुलाई 2013 को उसके सिर का बैंडेज के माध्यम से दबाव देकर उसके सिर का साइज कम किया गया। अस्पताल में 105 दिन तक उपचार रहने के बाद रूना को 1 अगस्त को छुट्टी दी गई और उसके कुछ वक्त बाद 29 नवंबर 2013 को यहाँ उसे फिर से भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने आश्वासन दिया था कि रूना ठीक हो जाएगी और एक सामान्य बच्ची की तरह जीवन बिता पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रूना की माँ फातिमा और मजदूर पिता अब्दुल का अपनी बच्ची को बड़ा होते देखने का सपना पूरा नहीं हो पाया। मैं आप सभी को बता दूं कि ये बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही। 2017 को ये एक्सपायर हो चुकी है। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।